जब भी आप किसी से एडवाइस लेने जाओ तो आप बिल्कुल अपने माइंड को ब्लैंक करके जाओ। ये कोई पूर्ण धारणा या कोई ऐसा अजम्पशन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि जिस पर्सन से आप एडवाइस लेने जा रहे हो वो आपका सीनियर है या पहले वो चीज को कर चुका है तो उसको ज्यादा नॉलेज है आपकी बजाय। मैंने बहुत बार देखा है कि पर्सन एडवाइस लेने के लिए आते हैं लेकिन वो पहले ही एक धारणा बना के आते हैं, लेकिन वो केवल ये अगले बंदे से ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो वो सोचते हैं वही अच्छा है, वो मोहर लगवाने आते हैं केवल। लेकिन जब वो पर्सन उनकी धारणा के विपरीत, उनकी प्री एजम्पशन के विपरीत कुछ बात कहता है तो वो उनको अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है यार ये अच्छी एडवाइस नहीं दे रहा है। तो अगर मेरी आपको यही एडवाइस है कि कभी भी आप किसी से एडवाइस लेने जाओ या किसी से एडवाइस लेने के लिए फोन करो तो आपका माइंड वहां पे ब्लैंक होना चाहिए। अब 5 पर्सन से एडवाइस लो, 5 की बातों को लिखो, लेकिन जब भी किसी 1 पर्सन से एडवाइस लेके, 2 पर्सन से एडवाइस लेके 3 पर्सन के पास जाओ तो उनकी बातों को साइड में रख के उसकी बातों को ध्यान से सुनो, फिर आप सभी की बातों को एनालाइज कर सकते हो और फिर आपको जो अपने लिए बेटर लगे उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आप एडवाइस लेने जाओ और आपको लगे कि या नहीं ये गलत कह रहा है, क्योंकि सबके प्रोस्पेक्टिव सही होते हैं, सबके एस्पेक्ट सही होते हैं। क्योंकि एक ही काम को मैंने अपना बिजनेस ऑनलाइन सेटअप किया है, ऑनलाइन ग्रो किया है, मेरे एक फ्रेंड ने ऑफलाइन ग्रो किया है, उसका भी अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा भी अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैं अगर ये कहूँ यार मैंने ज्यादा अच्छी तरह किया है तो वो तो गलत होगा, अगर वो कहे उसने ज्यादा अच्छी तरह किया है तो वो गलत होगा। उसका भी तरीका सही है, मेरा भी तरीका सही है, और भी इसी काम को हर बंदे ने अलग अलग तरह किया होगा। तो आप सबकी एडवाइस ले सकते हो और जो आपको अपने लिए अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट सुटेबल लगे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो।